तो आज के साइंस के अध्याय में हम बात करते हैं कि व्यक्ति बीमार क्यों होता है। अब आज मेरी दादी माँ जा रही हैं, रोज़ वो सब्जी लेने जाती हैं, पर आज वो सब्जी लेने नहीं गई, तो क्या मैं मान सकती हूँ कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं गई। तो अब यहाँ पर हम दो शब्द काम में लेंगे, एक बीमार होना और दूसरा स्वस्थ होना। अगर व्यक्ति रोगी नहीं है, व्यक्ति निरोगी है और व्यक्ति स्वस्थ है, इसमें थोड़ा सा अंतर हम यहाँ पर समझते हैं होता है। तो जब हम बोलते हैं निरोगी, तो इसका मतलब है कि हम किसी एक व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं कि आज दादी माँ का स्वास्थ्य अच्छा है, वो बाहर सब्जी लेने जा रही हैं, तो वो निरोगी हैं। तो यहाँ पर हमने किसी एक व्यक्ति विशेष की बात की है। तो जब भी हम डिजीज़ फ्री या निरोगी व्यक्ति की बात करते हैं तो वो व्यक्ति विशेष होता है। पर जब हम बोलते हैं स्वस्थ है, तो हम बोलते हैं हमारे समाज के सभी लोग स्वस्थ हैं, तो वो ज़्यादातर एक कम्युनिटी बेस्ड होता है या सामाजिक तौर पे होता है, जहाँ पर आप एक व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं, आप पूरे उस ग्रुप के बारे में बात करते हैं। कि यहाँ पर मान लीजिए कि किसी रोग का प्रभाव कम है, या समय के साथ अगर हम बोलें कि स्वतंत्रता के साथ हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाई है और मोर्टैलिटी रेट या मृत्यु दर को कम किया है, तो वो क्यों हुआ? क्योंकि हमने एक स्वस्थ जीवन की तरफ प्रवेश किया है और चीज़ों को ज़्यादा फिट बनाया है। अब वो फिट हम किस डेफिनेशन में बोलते हैं? वो फिजिकली फिट हो सकता है, इमोशनली ज़्यादा स्टेबल हो सकता है और सोशली वेल फिट हो सकता है। तो जब हम हेल्थ या स्वस्थ जीवन की बात करते हैं तो हम इन तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। वो है व्यक्ति का फिजिकली फिट होना, इमोशनली फिट होना और सोशली फिट होना। अब जैसे जैसे हम इस अध्याय में आगे बढ़ेंगे, हम अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कोई रोग ऐसे होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ समय के लिए रहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो लंबे दौर के लिए रहते हैं। तो इन सभी के बारे में चर्चा करते हुए कई सारे प्रश्न इस अध्याय से बनते हैं और उनमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं, अगर आप इनको सॉल्व कर पाते हैं तो आप आगे के अध्याय के लिए पूरी तरह से फिट हैं। अब मान लीजिए कि मुझे बहुत ज़ोर का सर दर्द हो रहा है, तो ये सर दर्द क्यों हो सकता है? क्योंकि इस क्लास में 50 बच्चे हैं जो चिल्ला रहे हैं। इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर का जुकाम हो रहा है, साइनस की वजह से हो सकता है, माइग्रेन की वजह से हो सकता है। तो ये जो कारण है इसको पता लगाना, जिसको हम बोलते हैं साइंस और सिम्टम्स, ये साइंस और सिम्टम्स अगर हम पता लगाते हैं तो हम बीमारी का पता लगाते हैं। और ये साइंस और सिम्टम्स जो हैं, ये एक इंडिकेशन है कि व्यक्ति को रोग है या वो निरोगी है। अगर रोग है तो किस तरीके का रोग है? तो जब हमने हेल्थ की बात की, हमने डिजीज़ फ्री लाइफस्टाइल की बात की, तो इन दोनों ही केसेस में हम एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो ये है कि रोग को प्रिवेंट करना या रोकना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर हम बोलें कि व्यक्ति निरोगी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्वस्थ नहीं है, ठीक है? तो अगर डिजीज़ फ्री होना एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है स्वस्थ होने का, पर स्वस्थ होना सिर्फ इतना ही नहीं है कि व्यक्ति को रोग नहीं है, ठीक है? वो स्वस्थ होने में हमने जैसा कि बोला, इमोशनली सोशली और फिजिकली व्यक्ति फिट होना चाहिए। और रोग जो है वो एक तरीके से अगर हम बहुत सिंपल भाषा में कहना चाहें तो व्यक्ति अपने आप की सिचुएशन में वो कम्फर्टेबल नहीं है, वो अनकम्फर्टेबल स्टेट में है। अब ये रोग के कारण क्या हो सकते हैं? तो रोग के कई सारे कारण हो सकते हैं। हमारा जो शरीर है, मानव शरीर, वह कई सारे मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स का बना हुआ है। ये छोटे छोटे सेल्स मिला के एक टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और जब भी कोई रोग होता है तो वो किसी ऑर्गन को या ऑर्गन सिस्टम को प्रभावित करता है। जैसे कि मान लीजिए जैपनीज एंसेफेलाइटिस है तो वो ब्रेन को प्रभावित करेगा, अस्थमा है तो वो लंग्स को प्रभावित करेगा। तो हर जो रोग हो रहा है वो किसी एक ऑर्गन को प्रभावित कर रहा है। अब इसी तरीके से हम समझते हैं कि जो डिजीज़ है उसको हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। या तो वो एक्यूट डिजीज़ होगा, मतलब वो बहुत छोटे ही अंतराल के लिए आपके लिए आएगा और वो आपको उस अंतराल के लिए कार्य नहीं करने देगा, आप ऐसा समझ सकते हैं, तो उसको हम एक्यूट डिजीज़ कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको सीजनल फ्लू हुआ है, या जिसको हम वायरल इन्फेक्शन कहते हैं, तो वो
क्या हुआ वो आपको छोटे समय के लिए प्रभावित कर रहा है, 7-8 दिन आपकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी और उसके बाद आप स्वस्थ हो जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ होता है क्रॉनिक डिजीज़। क्रॉनिक डिजीज़ वो है जो आपके साथ थोड़े लंबे समय के लिए रहता है, वो आपकी दिन प्रतिदिन की प्रतिक्रिया को या जो दिनचर्या है उसको प्रभावित करता है। तो मान लीजिए कि अगर एक व्यक्ति है वो रोज़ स्कूल नहीं एक बच्चा है वो रोज़ स्कूल नहीं जा पाता है, वो अपना होमवर्क नहीं कर पाता है, वो रेगुलरली अपने असाइनमेंट नहीं कर पाता है और किसी वजह से उसकी याद करने की क्षमता समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है, तो वो क्या हुआ, वो एक क्रॉनिक डिजीज़ हो गया। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि डिजीज़ या तो छोटे समय के लिए हो सकता है या लंबे समय के लिए हो सकता है। दूसरी तरीके से अगर हम रखें तो एक डिजीज़ वो हो सकता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करे, जिसको हम इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। जैसे आपका इन्फेक्शन हो गया, कोई सीजनल कोल्ड हो गया, तो वो क्या होगा, वायरल इन्फेक्शन है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करेगा। पर दूसरी तरफ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं जो आंतरिक समस्याओं के कारण होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रभावित नहीं करेगा। अगर किसी का मोटापा है तो वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रभावित नहीं करेगा, वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है। अब इन्फेक्शियस डिजीज़ ज़्यादातर अगर हम बोलें तो जैसे मान लीजिए सार्स हुआ, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसको कहा गया है, वो एक वायरल इन्फेक्शन है। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। ट्राइपोसोमनास जो कि एक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, जिससे स्लीपिंग सिकनेस होता है। तो अलग अलग डिजीज़ हैं वो या तो बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा या आपके प्रोटोजोआ के द्वारा हो सकते हैं। अब अगर हम वायरल इन्फेक्शन की बात करें तो डेंगू, एड्स कॉमन एग्जांपल हैं। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करें तो टीबी, एंथ्रैक्स दूसरे कॉमन एग्जांपल्स हैं। फंगल इन्फेक्शन मुख्यतः स्किन इन्फेक्शन की तरह देखे गए हैं। इसी तरीके से कई सारे वर्म्स के द्वारा इन्फेक्शन होते हैं, जैसे आपका एलिफेंटासिस हुआ, वो वर्म के द्वारा हुआ। अब इन सब में भी अगर हम क्राइटेरिया करें तो वायरल, बैक्टीरियल और फंगल डिजीजेस जो हैं वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, पर जो डिजीज़ वर्म्स के द्वारा स्प्रेड होते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन रेट थोड़ी कम होती है। पर मेडिकल एडवांसमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब मान लीजिए जैसे पेप्टिक अल्सर की ही बात की जाए, तो ऐसा माना जाता था कई वर्षों तक कि पेप्टिक अल्सर जो है वो आपकी लाइफस्टाइल रीजंस की वजह से होता है। वो एसिडिटी करता है, पेट में दर्द उत्पन्न करता है और कई केसेस में सीवियर प्रॉब्लम्स भी कर सकता है। पर रॉबर्ट वॉरन ने जो स्टडी की उसके द्वारा पाया गया कि आपके स्टमक के पेट के नीचे के हिस्से में कुछ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो कि पेप्टिक अल्सर करते हैं। हेलिकोबैक्टर पायरोलाई जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो एंटीबायोटिक के द्वारा ठीक हो सकते हैं। तो 2005 में मार्शल और वॉरेन को इस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया और तब जाके ये रिसर्च फाइनल हुई कि जो पेप्टिक अल्सर्स होते हैं, जो पेट में अल्सर्स होते हैं, उनका कारण सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं है, वो बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं और इसलिए वो एंटीबायोटिक से क्योर हो सकते हैं। तो जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन्स होते हैं वो एंटीबायोटिक से क्योर हो सकते हैं, जो वायरल इन्फेक्शन्स होते हैं वो एंटीवायरल्स से क्योर होते हैं, पर एंटीवायरल्स को बनाना बहुत मुश्किल होता है एंटीबायोटिक्स के कंपैरेटिव। अब एंटीबायोटिक की अगर हम बात करें तो क्या होगा, एंटीबायोटिक का काम करने का एक सिंपल बायोकेमिकल पाथवे होता है। मान लीजिए हमने पेनिसिलिन का एग्जाम्पल लिया, तो जो बैक्टीरिया अपने आसपास एक सेल वॉल बनाते हैं, जब पेनिसिलिन उन पर एक्ट करता है तो वो अपने आसपास वो सेल वॉल नहीं बना पाते हैं। अब क्योंकि वो सेल वॉल नहीं बना पा रहे हैं, वो कुछ ही समय में ख़त्म होने लगेंगे और जैसे जैसे वो ख़त्म होने लगेंगे वो इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी एंटीबायोटिक्स होती हैं उनका एक स्पेसिफिक बायोकेमिकल पाथवे होता है जो वो टारगेट पर एक्ट करता है और उसकी वजह से वो बैक्टीरिया धीरे धीरे या तो अपने आप को कम कर देता है या ख़त्म हो जाते हैं और उसकी वजह से जो व्यक्ति रोगी है वो निरोगी हो जाता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल तरीका हो गया। अब दूसरी चीज़ जो हम समझते हैं वो ये है कि जितनी भी बीमारियां होती हैं वो या तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकती हैं या वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलती हैं। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलती हैं उनको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। दो व्यक्ति खड़े हैं वो आपस में बात कर रहे हैं तो क्या है, कम्युनिकेशन है। तो इससे आप सिंपल से याद रख सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल रहा है क्योंकि कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेबल डिजीज़ है।
अब ये कॉम्युनिकेबल डिजीज़ कई तरीके से हो सकती है। ये हवा के द्वारा हो सकती है, जैसे टीबी हुआ, निमोनिया हुआ। ये पानी के द्वारा हो सकती है, जैसे कॉलेरा फैलता है। ये ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट के द्वारा हो सकती है, जैसे माँ से बच्चे को HIV फैल सकता है। इसी तरीके से एड्स और सेफिलिस हैं, जो सेक्शुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा होता है। अब इन सब के ट्रांसमिशन जो हैं वो वेक्टर बॉर्न होते हैं। वेक्टर बॉर्न का मतलब क्या है? वेक्टर सिर्फ एक इंटरमीडिएटरी है जो इन्फेक्शन को एक जगह से ले जाके दूसरे जगह पे छोड़ रहा है। जैसे कॉलेरा मक्खियों के द्वारा फैलता है, तो वो मक्खी एक जगह पे बैठी है जहाँ पर इन्फेक्शन है, और वो एक सही आदमी को जो कि इन्फेक्टेड नहीं है उसको बीमार कर रही है। इसी तरीके से मच्छर है जो मलेरिया फैला रहा है। तो ये सब जितने भी हम इन्फेक्शंस की बात करते हैं, इसमें हम दो चीज़ें बहुत ध्यान से देखते हैं, साइंस और सिम्टम्स क्या हैं। तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग सिम्टम्स पे अलग अलग साइंस क्रिएट करती हैं और उनके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। जैसे मलेरिया है तो वो लिवर और RBC को प्रभावित करती है। इसी तरीके से जैपनीज इंसेफेलाइटिस है, वो आपके ब्रेन को प्रभावित करता है। अगर लिवर टारगेट हुआ है तो जॉइंटिस हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा हेडेक है या अनकॉन्शियसनेस है, इसका मतलब ब्रेन टारगेटेड है। अगर सांस लेने में तकलीफ है तो लंग्स प्रभावित हैं। तो ये सारी चीज़ें अलग 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 तरीके से साइंस और सिम्टम्स हम समझते हैं। पर जब भी व्यक्ति बीमार होता है तो क्या होता है? उसका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से किसी भी डिजीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी वहाँ पर बढ़ जाती है। अगर इन्फेक्शन थोड़ा बहुत है तो हो सकता है वो अननोटिस चला जाए और व्यक्ति थोड़े समय के लिए अनकंफर्टेबल रह के नॉर्मल लाइफस्टाइल जीने लग जाए। पर अगर इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर है तो कई केसेस में वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। अब जब भी हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो हम दो चीज़ें यहाँ पर बहुत ध्यान से समझते हैं। पहला है ट्रीटमेंट और दूसरा है प्रिवेंशन। एक तो ये कि हम बीमारी को होने ही ना दें। मान लीजिए कि वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है तो वेक्टर को ही ख़त्म कर दिया, मच्छरों को ही ख़त्म कर दिया, मक्खियाँ ही नहीं हैं तो क्या होगा? वो डिज़ीज़ फैलेगा ही नहीं। तो वो हो गया आपका प्रिवेंशन। दूसरी तरफ होता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कब होगा? बीमार हो चुके हैं उसके बाद ट्रीटमेंट होगा, साइंस और सिम्टम्स देख के। तो अब जब ट्रीटमेंट हो रहा है तो ये पता चला, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स दी जाएगी, अगर वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल। पर एंटीवायरल के साथ एक बहुत बड़ी तकलीफ है कि एंटीवायरल, क्योंकि उसका खुद का कोई बायोकेमिकल पाथवे नहीं होता है, वो हर व्यक्ति के शरीर में जाके अलग मशीनरी की तरह एक्ट करती है, तो एंटीवायरल्स बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है एंटीबायोटिक्स के कंपैरेटिव। क्योंकि वायरस स्पेसिफिक टारगेट्स को आइडेंटिफाई करना और उसके बिहेवियर में, पैटर्न में जो चेंज होता है हर व्यक्ति से व्यक्ति, हर स्ट्रेन से स्ट्रेन, उसको डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है। पर जब भी हम एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं ट्रीटमेंट में, तो उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या तकलीफ वहाँ पर होती है? पहला तो व्यक्ति ऑलरेडी बीमार हो चुका है, अब आप उसको दवाई दे रहे हैं तो कुछ समय लगेगा, तो कुछ समय के लिए वो बेड रेस्ट पे रहेगा या वो अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल रिज्यूम नहीं कर पाएगा। कई बार ऐसा होता है कि वो पूर्ण तरीके से रिकवर ही नहीं हो पाता है, और कई बार क्योंकि वो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ लेके बैठे हैं, वो दूसरों को इन्फेक्शन देने के लिए भी सक्षम है। तो ये कुछ प्रमुख लिमिटेशंस हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं। अब हम इसको रोक कैसे सकते हैं? अगर मान लीजिए कि एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, तो अगर आपको पता है कि इस समय फैल रहा है तो आप ज़्यादा क्राउडेड जगहों पर नहीं जाएंगे। अगर वाटरबॉर्न इन्फेक्शन है तो आप खुला हुआ खाना नहीं लेंगे, जो पीने योग्य पानी है उसी का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से अगर वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है तो मच्छरों की संख्या या मक्खियों की संख्या को उसी समय पे कर्व कर दिया जाए या कम कर दिया जाए, तो इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। तो ये हो गया आपका प्रिवेंशन। अब अगली जो चीज़ होती है वो होता है इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन में एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि मान लीजिए कि आपके इम्यून सिस्टम पे पहली बार कोई इन्फेक्शन हुआ, वो इन्फेक्शन, वो माइक्रोब आपके शरीर में गया, उसको वो सारा चीज़ स्पेसिफिकली वो रिमेम्बर करता है। अगर दूसरी बार उससे मिलता जुलता स्ट्रेन आता है तो आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स तुरंत ही बढ़ जाता है और वो उससे जल्दी लड़ने में कारगर हो जाता है। अब ये डिस्कवरी सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने की थी, और उन्होंने क्या किया था, पुरानी जो भारतीय और चाइनीज पद्धति थी उसमें जब भी स्मॉल पॉक्स की बीमारी फैलती थी तो क्या किया जाता था, जो व्यक्ति को स्मॉल पॉक्स हुआ है उसकी व्यक्ति के स्किन से थोड़ा सा क्रस्ट लेके एक नॉर्मल व्यक्ति को दे दिया जाता था ताकि उसमें उस चीज़ की इम्यूनिटी बढ़ जाए। तो
एडवर्ड जेनर ने क्या किया, काउ पॉक्स जो कि गायों में पाया जाता था, स्मॉल पॉक्स से सिमिलर था, तो उसने वो काउ पॉक्स का लेके एक नॉर्मल व्यक्ति में इंजेक्ट किया और एक स्मॉल पॉक्स वाले व्यक्ति में इंजेक्ट किया। तो जब स्मॉल पॉक्स वाले व्यक्ति में इंजेक्ट किया तो उसने देखा कि उसको काउ पॉक्स नहीं हुआ। उसका कारण क्या था, क्योंकि वो ऑलरेडी स्मॉल पॉक्स झेल चुका था और क्योंकि वो उससे रेजिस्टेंट था, काउ पॉक्स सिमिलर स्ट्रेन था, तो वो उसके लिए वैक्सीनेटेड था। तो ये काउ जो है इसको लैटिन में वेक्सा कहा गया है और काउ पॉक्स को वैक्सीनिया कहा गया है और इसीलिए वैक्सीनेशन शब्द जो है वो वैक्सीनिया से आया, काउ पॉक्स से आया बेसिकली। तो अब अगर हम अलग अलग देशों के शेड्यूल में देखें तो सब दूर इम्यूनाइजेशन का चार्ट होता है कि इतनी उम्र पे ये वैक्सीन्स लगेंगे। हर जगह वहाँ के प्रिवेलेंट डिजीजेस के हिसाब से ये इम्यूनाइजेशन चार्ट में थोड़ा थोड़ा अंतर पाया जाता है। जैसे अगर हम भारत में देखें तो हम ओरल पोलियो ड्रॉप्स देते हैं, पर जो डेवलप्ड नेशंस हैं जहाँ पर पोलियो की प्रिवेलेंस बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी है, वहाँ पर हम इसको इंजेक्टेबल पोलियो की तरह दिया जाता है। इसी तरीके से डीटैप दिया जाता है, टिटनस, वूपिंग कफ, डिप्थेरिया, आपका पर्ट्यूसिस, ये कॉमन बीमारियां हैं जिनके लिए आपके वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं। MMR, मीजल्स, रूबेला, इनके लिए आपके वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं। तो इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन के बारे में आज हमने समझा। भारत में जो हाल ही में वैक्सीनाइजेशन की स्कीम आई है, वैक्सीनेशन की स्कीम आई है, उसको इंद्रधनुष स्कीम कहा गया है। तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें थी जो हमने आज के अध्याय में देखी। हम विज्ञान के कई सारे अध्याय आपके लिए और लेके आएंगे, तो जुड़े रहिए चैनल पर, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।